ओवरव्यू ऑफ जीएडिट टेक्स्ट एडिटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जीएडिट टेक्स्ट एडिटर, जीएडिट टेक्स्ट एडिटर की विशेषताएं और इस श्रृंखला के तहत इस ट्यूटोरियल में उपलब्ध विभिन्न कंटेंट्स के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू लिनक्स 14.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, जीएडिट टेक्स्ट एडिटर 3.10 का उपयोग कर रही हूँ। इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करने के लिए आपको विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले जीएडिट टेक्स्ट एडिटर के बारे में सीखते हैं। जीएडिट एक प्रभावशाली टेक्स्ट एडिटर है। ये उपयोग करने के लिए सरल और आसान है। ये उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट GUI टेक्स्ट एडिटर है। आगे जीएडिट टेक्स्ट एडिटर की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जीएडिट टेक्स्ट एडिटर में सभी सामान्य एडिटिंग विशेषताएं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू और रीडू ऑप्शंस हैं। सर्च और रिप्लेस टेक्स्ट ऑप्शंस जैसे कि अन्य टेक्स्ट एडिटर में होते हैं, ये भी जीएडिट में उपलब्ध हैं। जीएडिट टेक्स्ट एडिटर में स्पेल चेक की सुविधा है। यह लाइन नंबर प्रदर्शित करता है जो कि आसानी से सोर्स कोड को डीबग करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये टेक्स्ट को रैप्स करता है और मौजूदा टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। टैब्ड विंडोज फीचर एक ही विंडो में कई फाइलों पर कार्य करने के लिए इसे आसान बनाता है। जीएडिट टेक्स्ट एडिटर विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में सिंटेक्स को हाईलाइट करता है। ये प्रोग्राम्स में ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स का ध्यान रखता है। प्लगइन्स के माध्यम से इसमें नए फीचर्स भी उपलब्ध होते हैं। स्वतः ही सेव और बैकअप ऑप्शन भी उपलब्ध है। टेक्स्ट फाइल्स के साथ कार्य करने वाला कोई भी प्रोग्रामर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, लेखक जीएडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकता है। हम इस श्रृंखला में व्यक्तिगत ट्यूटोरियल्स को संक्षेप में देखेंगे। इस श्रृंखला में पहला ट्यूटोरियल उबुंटू लिनक्स और विंडोज में जीएडिट टेक्स्ट एडिटर संस्थापन करने और नए फाइल कैसे बनाते हैं, वर्तमान फाइल को ओपन, सेव और बंद करने के बारे में है। यहाँ ट्यूटोरियल की एक झलक है। इंट्रोडक्शन टू जीएडिट टेक्स्ट एडिटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जीएडिट टेक्स्ट एडिटर के बारे में सीखेंगे। अगला ट्यूटोरियल कॉमन एडिट फंक्शंस हैं। ये हमें कंटेंट को कट, कॉपी और पेस्ट, अंडू और रीडू क्रिया, टेक्स्ट को सर्च और रिप्लेस करना और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कैसे करना है ये समझाने में मदद करेगा। इस ट्यूटोरियल पर नजर डालते हैं। केस ऑप्शन में केवल एक शब्द मेल खा रहा है जो कि स्कूल शब्द में कैपिटल एस है। फिर से फाइंड बॉक्स में कर्सर रखें। अगला ट्यूटोरियल हैंडलिंग टैब्स है। यहाँ हम ऐड, मूव, रीऑर्डर और क्लोज टैब्स के बारे में सीखेंगे। फाइल को ब्राउज और खोलने के लिए साइड पैनल का उपयोग करें, लाइन नंबर प्रविष्ट करें और टेक्स्ट को रैप करें। यहाँ ट्यूटोरियल की एक झलक है। साइड पैनल में अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट 2 पर क्लिक करें। वह डॉक्यूमेंट सक्रिय हो जाता है। अगला ट्यूटोरियल डिफॉल्ट प्लगइन्स है। ये हमें डिफॉल्ट प्लगइन्स जैसे सॉर्ट, चेंज केस, स्पेल चेकर, इंसर्ट डेट एंड टाइम का उपयोग करने में मदद करेगा। मैं इस ट्यूटोरियल को चलाती हूँ। आप Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर का उपयोग करके कर सकते हैं। जीएडिट प्रेफरेंसेस बॉक्स के क्लोज बटन पर क्लिक करें। अगला ट्यूटोरियल थर्ड पार्टी प्लगइन्स के बारे में समझाएगा। इसमें सीखेंगे कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स को कैसे संस्थापित करना है और इसका कैसे उपयोग करना है। थर्ड पार्टी प्लगइन जिसे इंटेलिजेंट टेक्स्ट कंप्लीशन कहते हैं को इस ट्यूटोरियल में समझाया जाएगा। यहाँ ट्यूटोरियल की एक झलक है। मैं 3.8 और 3.10 के वर्जन के लिए क्लिक करूँगी। आपको अपने जीएडिट वर्जन के आधार पर लिंक को चुनना है। अंतिम ट्यूटोरियल स्निपेट्स के बारे में है। स्निपेट्स यूजर को कोड की पुनरावृत्ति टाइपिंग से बचाने में मदद करता है।
ये दर्शाता है कि डिफॉल्ट स्निपेट्स का उपयोग कैसे करना है, नए स्निपेट्स को कैसे जोड़ना है, स्निपेट्स को कैसे डिलीट करना है, अन्य ऑप्शंस जैसे समान ब्रैकेट्स को हाईलाइट करना और डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स भी इस ट्यूटोरियल में शामिल है। यहाँ ट्यूटोरियल की एक झलक है। बाएं हाथ की ओर सी के नीचे else if स्निपेट पर क्लिक करें। आप इसके लिए सिंटैक्स को ऊपरी दाएं पैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने gedit टेक्स्ट एडिटर के अवलोकन के बारे में सीखा। कृपया सभी उल्लेखित विषय पर विस्तृत ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। लिंक पर दिया गया वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। यदि आपको इस स्पोकन ट्यूटोरियल से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया साइट पर जाएं। मिनट और सेकंड चुनें जहां आपको समस्या है, अपने सवाल को संक्षेप में समझाएं। हमारी टीम में से कोई भी एक उसका जवाब देगा। इस ट्यूटोरियल पर विशिष्ट प्रश्न के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम है। कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न पोस्ट न करें। इससे अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी। कम अव्यवस्था के साथ हम इस चर्चा को अनुदेशात्मक तथ्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन की अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।